29 जुलाई से इस इंटर्नशिप की एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है. बहुत ही रेप्यूटेड इंटर्नशिप है, इसलिए द एप्लीकेशन विंडो इज ऑल्सो रियली स्मॉल. एप्लीकेशन डेडलाइन 15 अगस्त ही है, सो यू हैव टू अप्लाई रियली क्विक फॉर दिस वन. बिकॉज इतनी छोटी एप्लीकेशन विंडो होती है, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स मिस कर जाते हैं अप्लाई करना. बट बिकॉज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप एंड आई रियली विश एटलीस्ट वन ऑफ द व्यूअर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम हियर. सो इस वीडियो को ध्यान से देखना टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ द वर्क दैट यू हैव टू डू ड्यूरिंग द इंटर्नशिप एज वेल एज हाउ टू अप्लाई फॉर दिस. And especially ध्यान देना eligibility conditions पे. So this is a government internship with the Ministry of External Affairs. So MEA internship portal पे इस particular internship की details देखते हैं. 10,000 rupees per month का ये internship है. आपको to and fro air tickets भी provide किए जाएंगे. So this is an offline internship which will be conducted in Delhi. So you have to travel to Delhi from your state. So obviously to and fro जो air tickets है वो provide की जाएगी. But you have to bear the cost of accommodation in Delhi. So financially, monetarily obviously इतनी lucrative नहीं है, because 10,000 rupees पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा जो ऑलमोस्ट अकोमोडेशन में चला जाएगा, आपके अकोमोडेशन एंड फूड में. बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज नॉट मोनेटरली, बट द नेचर ऑफ वर्क मेक्स दिस इंटर्नशिप वेरी रेप्यूटेड. सो मैक्सिमम 3 मंथ्स का ये इंटर्नशिप रहेगा, 1 to 3 मंथ्स का ये इंटर्नशिप रहेगा. सो यू कैन थिंक अबाउट इट एज काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस दैट यू आर डेवलपिंग. एंड डेफिनेटली इफ यू एड दिस इंटर्नशिप इन योर CV, इट विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू. सो एग्जैक्टली नेचर ऑफ वर्क क्या है जो इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप को इतना रेप्यूटेड बनाता है? बिकॉज यू विल बी वर्किंग इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसीज ऑफ इंडिया. सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर कोई भी एक डिपार्टमेंट के अंडर आप एलोकेटेड रहोगे एंड यू विल बी एलोकेटेड वर्क बाय द हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. इट विल बी अराउंड कंडक्टिंग रिसर्च, राइटिंग सर्टन रिपोर्ट्स एंड यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड फॉर्मुलेटिंग फॉरेन पॉलिसीज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड फॉर दिस रीजन ये इतना रेप्यूटेड इंटर्नशिप है. एंड अगर रेप्यूटेड इंटर्नशिप होगा, ऑब्वियसली सिलेक्शन प्रोसेस स्ट्रिंजेंट भी होगा. इसके सिलेक्शन प्रोसेस में 2 राउंड होते हैं. एक होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, उसके बाद होता है इंटरव्यू राउंड. प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के लिए बेसिकली आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है एंड बेस्ड ऑन योर 10 मार्क्स, 12 मार्क्स एंड ग्रेजुएशन मार्क्स, मोस्टली ऑन योर मार्क्स एंड अदर काइंड ऑफ क्राइटेरिया एज वेल, लाइक आपकी कैटेगरी, आपका बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग, यू विल बी सिलेक्टेड एंड कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू. एंड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू अ मैक्सिमम ऑफ 30 इंटर्न्स विल बी सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप. बट सबसे इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी कंडीशन समझ लेते हैं इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप की. बिकॉज इट्स सच एन ओपन एंडेड इंटर्नशिप, इसलिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रीम दैट यू आर स्टडिंग इन, यू कैन अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप. येस इट्स इंपॉर्टेंट दैट ईदर यू आर अ ग्रेजुएट और इन द फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन. इन वट एवर केस इट इज, योर एज शुड नॉट बी मोर देन 25 ईयर्स. सो लेस देन 25 ईयर्स और 25 ईयर्स ऑफ एज आर एप्लीकेबल टू अप्लाई फॉर दिस, एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये इंटर्नशिप मैंने बताया था आपको 2 टर्म में कंडक्ट की जाती है, Term 1 and Term 2. सो दिस इज द Term 2 फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर. एंड यहाँ पर आप वेबसाइट पे देख सकते हो Term 2 में कौन से स्टेट्स एंड कौन से यूनियन टेरिटरीज एप्लीकेबल है टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप. सो लेट मी रीड इट आउट फॉर यू. मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी आर द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर टर्म. आप जिस स्टेट के डोमिसाइल हो, दैट पर्टिकुलर स्टेट वो आपका काउंट किया जाएगा, नॉट द स्टेट इन विच योर कॉलेज इज बेस्ड आउट ऑफ. आपका आपके गवर्नमेंट आईडी में जो स्टेट मेंशनड है वही आपका डोमिसाइल है एंड बेस्ड ऑन दैट यहाँ पर सिलेक्शन होगी. अगर आपका स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इस पर्टिकुलर टर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, देन आप नेक्स्ट ईयर Term 1 में अप्लाई कर सकते हो फॉर द सेम इंटर्नशिप. एंड एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए आप ऊपर देख सकते हो रजिस्टर का बटन रहेगा वेबसाइट पे, आप वहाँ पर रजिस्टर कर दो. बहुत ही बेसिक डिटेल्स देके आप रजिस्टर कर सकते हो एंड देन यू कैन लॉग इन एंड स्टार्ट फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म. यहाँ पर याद रखना ये जो कैप्चा है दैट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, कभी कभी वो क्रोम में ठीक से दिखाई नहीं देती है. यू कैन यूज डिफरेंट ब्राउजर हियर या फिर यू कैन ट्राई आफ्टर सम टाइम, वो आ जाएगा. थोड़ा प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर थिंग में, बट इफ यू ट्राई मल्टीपल टाइम्स प्रॉब्ली दैट विल वर्क फॉर यू. So this is what I wanted to quickly share with you so that you do not miss the application deadline. NIC or internship opportunities के लिए make sure you subscribe to the channel so that you stay updated. And अगर आपने मेरी बाकी internship की videos नहीं देखी है, then आप वो भी देख सकते हो. And अगर deadline open है, you can apply for those particular internships as well. अगर आप interested हो, मैं आपको वो video screen पे दिखा रहा हूँ. मैं आपसे वहाँ मिलता हूँ.